दुनिया में कई तरह के जुर्म होते हैं, जैसे किसी का मर्डर करना, चोरी चकारी करना, किसी का रेप करना, छीना झपटी आदि। लोग कई तरह के वारदातों को अंजाम देते हैं। उन्हीं में से एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जो है सीरियल किलर, अर्थात 3 से अधिक खून करने वाला व्यक्ति सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। और आज की खबर भी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। जी हाँ, आज हम आपको दुनिया का सबसे खूंखार सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 400 बच्चों का बड़े ही बेरहमी से रेप करके उन्हें मौत के घाट उतार डाला। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं जीवीएन 24। लुइस अल्फ्रेडो गार्वितो, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया का सबसे खूंखार सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। उसकी बीते महीने ही मौत हुई है, लेकिन परिवार को अभी तक उसका शव नहीं दिया गया, जिसके कारण उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। इस किलर के बारे में यदि बात करें तो शायद आपके मुंह से इसके लिए बद्दुआ निकले, क्योंकि इसने काम ही कुछ ऐसा किया है। इस किलर ने कम से कम 400 बच्चों के साथ रेप किया होगा और बाद में उनकी हत्या कर दी। इसे 132 बच्चों की हत्या के मामले में 1853 में जेल की सजा दी गई थी। 12 अक्टूबर 2023 को उसकी मौत हो गई और उसका शव 40 दिनों से मुर्दा घर में पड़ा हुआ है, जिसके बाद उसके परिवार ने प्रशासन से उसका शव देने की मांग की है, ताकि उसके घर वाले उसकी मौत पर शोक मना सकें। 64 साल के हो चुके लुइस की कहानी जानने के लिए आपको कोलंबिया की गलियों को महसूस करना होगा। वो साल था अप्रैल 1999 का, जब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया। एक साल पहले यानी 1998 को पुलिस ने एक 3 कब्रों में से 36 लड़कों और युवाओं के शरीर के टुकड़े बरामद किए थे। उसी के बाद लुइस को गिरफ्तार किया और उसने उन लोगों की हत्या के बारे में अपना जुर्म कबूल किया। पर मामला यहीं आकर नहीं रुका। उसने बताया कि 1994 से 1999 के बीच जिन भी बच्चों की हत्याएं हुई हैं या फिर जुर्म से जुड़े मामले सामने आए हैं, उसमें उसका ही हाथ था। उसने बताया कि 59 शहरों में उसने 114 बच्चों की हत्या की है। हत्या करने से पहले वह कई बच्चों का रेप करता था। यह सारे ही कम उम्र के लड़के हुआ करते थे। उसने जब एक बार फिर नए सिरे से हत्याओं के बारे में बताया, तब उसने जाकर कबूल किया कि मरने वालों की संख्या 190 से ज्यादा थी। यही कारण है कि उसे दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है। नेशनल प्रिजन इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर 2021 में कोर्ट के जज से अनुरोध किया था कि अच्छे आचरण की वजह से लुइस को रिहा किया जाए, पर जज ने कहा कि उसने अपने शिकार के परिवार को देने के लिए 31 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर नहीं चुकाए हैं, इस वजह से उसे रिहा नहीं किया जा सकता। वह अपने शिकार की पूरी लिस्ट एक किताब में बनाता था, जिसमें साफ लिखा था कि कितने लोगों की मौत उसने की है। उसने जज को दिए अपने बयान में कहा कि जब वह छोटा था तो 2 पड़ोसियों ने उसका रेप किया था, और जब वो उम्र में बड़ा होने लगा तो उसके पिता उसे बहुत मारा करते थे। तो ऐसे ही क्राइम जगत से जुड़े कहानी को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ जीवीएन 24 पर। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज़।